एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया, सब अच्छा जी है। जी एक चीज सवाल करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप लोग मुस्लिम को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, रिप्लाई में आता है वालेकुम अस्सलाम, तो जी ये कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं कह सकता है या क्यों नहीं कहता है? आपको गुड इवनिंग अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं लगता है मेरे, मुझे तो नमस्ते भी अच्छा लगता है, तो इवन अगर मुझे बोला जाए आप अस्सलाम वालेकुम बोलें तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं मुसलमान। कहते, इसलिए नहीं कहते, मैं आपको वाजे बता दूं, इसलिए नहीं कहते कि अस्सलाम वालेकुम एक रिलीजियस ग्रीटिंग है। तो जाहिर है कि जो चीज रिलीजियस होती है तो वो उसी को, उसी के दरमियान तो उसका तबादला होगा ना, या एक्सचेंज होगा जो उस रिलीजन को मानता होगा। तो जब आप उस रिलीजन को मानते ही नहीं तो फिर रिलीजियस ग्रीटिंग का क्या मतलब है? हाँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं कह दूंगा वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं है। मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, चूंकि आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलीजन को नहीं मानते, तो रिलीजियस ग्रीटिंग्स जो है उसके बजाय हम आपको एक वो ग्रीटिंग करेंगे जो कॉमन हो, जिसमें मुझे भी कोई मसला नहीं है, आपको भी कोई मसला नहीं है, कॉमन ग्रीटिंग्स में कोई मसला नहीं है। हम ग्रीटिंग्स के खिलाफ नहीं है, रिलीजियस ग्रीटिंग सिर्फ रिलीजियस लोगों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो उस रिलीजन में बिलीव करते हैं। जहां तक अस्सलाम वालेकुम का मुझे मतलब पता है कि अल्लाह की सलामती आप पर हो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाते हम आप मतलब जो अल्लाह को मानते हैं, जी वो क्या गैर मुसलमान पे अल्लाह की सलामती की दुआ या ये नहीं कर सकते क्या? मैं ये भी जानना चाह रहा था। दुआ बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप हमसे कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम और हम जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब ही ये होता है कि आप पर भी सलामती हो। तो हम उस वक्त ये नियत करते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं खुदा की सलामती की, और उसकी सलामती किस तरीके से हो कि आप जो है ईमान ले आए। चूंकि हमारे यहाँ देखें, सलामती वो बुरी चीज तो है नहीं, सलामती तो बहुत अच्छी चीज है, खुदा खुदा की आपके ऊपर सलामती हो। लेकिन ये सलामती कब होगी? जब आप उस सलामती को डिजर्व करेंगे। तो अब हम सवाल दूसरे दूसरे सवाल पर आ जाएंगे कि अच्छाई और बुराई का क्या पैमाना है? आपके नजदीक अच्छाई और बुराई का पैमाना क्या है, और खुदा के नजदीक पैमाना क्या है? खुदा के नजदीक अच्छाई और बुराई वो है जो उसने सेट की है। मिसाल के तौर पर अच्छाई ये है कि खुदा को खुदा माना जाए और अकेले उसकी इबादत की जाए। आपने, आपका मतलब आप नहीं है, मतलब जो जो लोग खुदा को नहीं मानते या खुदा के साथ शिर्क करते हैं या दूसरों को भी मानते हैं, उन्होंने अच्छाई का पैमाना ये सेट किया कि नहीं जी, हम सुप्रीम बीइंग की तो पूजा करेंगे ही, हम दूसरों की भी पूजा करेंगे। अब मुझे बताइए कि जिस खुदा की सलामती आप चाह रहे हैं, क्या आप उस खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं कि आपको उसकी सलामती की जरूरत पड़े? नहीं, बिल्कुल उनके मर्जी के खिलाफ ही अगर हम दूसरे खुदाओं को पूजा करते हैं या मान रहे अब हैं तो उनके मर्जी के एग्जैक्टली खिलाफ ही कर रहे हैं। मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब उसकी मर्जी पर हम चलने के रवादार नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो उसकी मर्जी पर चलना ही नहीं है, तो फिर उसकी सलामती की जरूरत ही क्या है? अगर सलामती उसकी चाहिए तो फिर मर्जी, तो पहले तो उसकी मर्जी पे चलना पड़ेगा ना। उसने अगर अपनी सलामती के लिए शर्त लगा रखी होगी कि मेरी सलामती उसके लिए है जो मेरे रास्ते, और उसके रास्ते पे आप चल नहीं रहे हैं, तो उसकी सलामती कैसे मिलेगी आपको? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ ही कर सकता हूं कि आप उसके रास्ते पर चले, वो मैं करता हूं। वो उस वर्ड को हदक अल्लाह कहते हैं क्या? जी अल्लाह बिल्कुल, आपको हिदायत दे। हाँ अल्लाह आपको हिदायत हाँ दे। नहीं तो मेरा ये कहना है कि हिदायत देने वाले तो अल्लाह हैं, ठीक है, आप लोग एक जरिया हो सकते हैं, और जी जो बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है ढूंढने का, ठीक है, और अभी तक उसे एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि क्या सही है और क्या गलत है, उनको भी आप ये ग्रीटिंग्स नहीं कर सकते क्या कि अल्लाह की सलामती आप पे हो? क्योंकि आप तो मानते हैं ना कि ये सही है, अल्लाह नहीं, भी यहाँ सही है। मैं वही कह रहा हूं कि हम जब अगर अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम कहते हैं और नियत ये कर लेते हैं कि सलामती से मुराद यहाँ हिदायत है, तब तो ये ठीक है। लेकिन आमतौर से हम लोग नियत नहीं करते। सलाम का मतलब है आखिरत की सलामती, आखिरत की सलामती तुम पर हो। ये उस वक्त होगा जब आदमी आखिरत में बिलीव करेगा। एक बंदा आखिरत में बिलीव ही नहीं करता तो आखिरत की सलामती कैसे होगी उस पर? इसलिए हम उससे बेहतर, जो यानी आप लोगों के लिए या किसी आदमी के लिए, जो मिसाल के तौर पर आप हैं नितेश साहब, हाँ मुझे इसमें लग रहा है कि आप जो है तलाश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, हाँ आप तलाश। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखूं, एक में ऑप्शन, एक ऑप्शन में यह हो कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, अभी आप रास्ता तलाश कर रहे हैं, एक हाँ में जी, आपको कहूं कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, और दूसरे में मैं आपको ये कहूं कि आप पर खुदा की सलामती हो। मेरे एतबार से आपके लिए पहली दुआ ज्यादा सूट करती है कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, चूंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जिस आदमी को रास्ता नहीं मिल रहा उसको रास्ता दिखाने की दुआ करनी चाहिए।
ये वो दुआ फिर आपके लिए हदाक अल्लाह वाली। हाँ हाँ नहीं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, सलामती से पहले तो पहले रास्ता दिखा। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन इससे एतराज नहीं होना चाहिए। मैं एक्चुअली ये मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई कह रहा है कह भी दे, तो किसी मुसलमान को ये एतराज नहीं है। हदक अल्लाह वाली को मैं मान रहा हूँ कि पहले हिदायत दे तब तो सलामती हो, लेकिन अगर कोई कहता है तो वो कहता है ना कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं वंदना मैं नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा किसी और को, तो इसमें तो कोई एतराज नहीं है। मैं ये आपके मुंह से एक्चुअली सुनना चाह रहा था वो। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये बात एतराज की नहीं है। मिसाल मिसाल के तौर पर अगर आप हमारी स्ट्रीम में आते और आप मुझे सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम कहते, मैं आपको जवाब में वालेकुम सलाम कहता, और मेरी नीयत ये होती कि मैं सलामती से हिदायत मुराद ले रहा हूँ और उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करूंगा, आप आएंगे तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहूंगा अगर मुझे ये पता हो, लग रहा हो कि आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपको सलामती से पहले हिदायत की जरूरत है। और ये लॉजिकल है, यानी ये कोई इरेशनल बात नहीं है। ठीक है, जो रैशनल है वो ये है कि एक बंदा जिसके पास जिसको सलामती से पहले हिदायत चाहिए तो उसको हिदायत की इसके लिए दुआ करनी चाहिए, तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, तो बिल्कुल माकूल बात है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। बात बहुत से गैर मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सलाम वाली जो अच्छी अच्छी बातें तो ये आपस में करते हैं और हमें दूसरी वाली ग्रीटिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग है, यानी हम अल्लाह ताला की रहमत से आपको महरूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो रहमत आपको चाहिए वो हिदायत की सूरत में है, उसकी हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए, ये कह रहा हूं मैं। और अगर कोई जो अल्लाह को ना मान रहा हो या फिर कोई तलाश में हो, और अगर वो सामने वाले को कोई एक मुसलमान है उसे अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो क्या ये जायज है या कह सकता है या कहना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी बता दें। कोई अल्लाह की तलाश में हो और वो सामने वाले को अस्सलाम वालेकुम कहे, हाँ, या फिर वो भगवान को नहीं मान रहा हो लेकिन ये कि हम एक साथ रहते हैं वो बोले, और जो तलाश कर रहा हो, क्या ये दोनों कोई कह सकता है? हाँ, जब एक आदमी अभी अल्लाह की तलाश में है, अल्लाह ही उसको नहीं मिला अभी तक के, और वो सिर्फ वैसे ही अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, तो कहे, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्या मसला है? तो अगर जैसे मैं आपको आके ग्रीट करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आप ये तो अगला सवाल ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब आप अल्लाह को मानते ही नहीं हो तो ग्रीट क्यों कर रहे हो अल्लाह वाला, क्योंकि अगला सवाल ऐसा हो सकता है। मैंने तो अभी आपसे कहा ना कि आप मुझे अस्सलाम वालेकुम कहते तो मैं आपको वालेकुम अस्सलाम कहता, इस नियत के साथ कि सलामती से मुराद हिदायत है। ओके, हाँ 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 गॉट इट, मैं वहां पे एक्चुअली मैं समझ गया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये वाला था। मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं मुझे थोड़ा जाना भी है। मैं बस एक पॉइंट ऐड कर दूं कि नीतीश भाई देखें, ये सारे सवालात का जो बैकग्राउंड है ना वो क्यों है और कैसे है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब जहां से ये ओरिजिन है ये सारे सवालात, तो बेसिकली इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की है। पता नहीं दुनिया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब खास करके जब इस्लामोफोबिया बढ़ा है तो दुनिया में जितने भी दूसरे कम्युनिटीज के लोग हैं उनको एक तरह की खुन्नस आ गई है कि ये मुसलमान यार अलग क्यों दिखते हैं हमसे, ठीक है, ये हिजाब क्यों लगाते हैं यार, ये इस तरह से टोपी क्यों पहनते हैं यार, और उनको देखें, उनको उनके जैसा बनना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको खामखा जो है वो उनके उनके जो उनका अपना कल्चर है उसमें भी टांग अड़ाना है, एक चीज तो ये आई है। दूसरी बात ये मैं ये भी कह दूं आपको कि देखिए इस्लाम का स्टैंड बहुत शुरू से ये क्लियर है कि इस्लाम ना दूसरे मजहब को या दूसरे यानी कि जो फेथ है उसको अपने अंदर एसिमिलेट करने की कोशिश करता है, उसको मर्ज करने की कोशिश करता है, उसको कंपोजिट करने की कोशिश करता है, और ना इस्लाम का ये कहना है कि जो लोग मुसलमान हैं वो जो है वो दूसरे कल्चर को डिस्ट्रॉय करें, तो इस्लाम अपनी भी हिफाजत करता है अपने दीन की भी, और वो इस चीज की भी गारंटी देता है कि जो दूसरा मजहब है चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो हिंदुइज्म हो वो भी एग्जैक्टली वैसा ही बाकी रहे जैसा कि उसको रहना चाहिए। तो इस्लाम इस पे फोर्स नहीं करता आपको कि फॉर एग्जांपल कि आप मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं, मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, माजी की पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं जब कुछ चीजें पढ़ रहा था जिसको लोग डिस्क्रिमिनेटरी बताते हैं, जैसे ये इस्लाम का मसला या फॉर एग्जांपल समझे लिबास का मसला कि मुस्लिम को अलग लिबास पहनना है क्रिश्चियन को अलग लिबास पहनना है, ये सारी चीजें, तो इसके पीछे अलग असल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, असल में दूसरे कल्चर का प्रिजर्वेशन है कि जब एक कल्चर हुकूमत में होती है ना तो वो क्या कोशिश करती है, जो इंडिया में भी हो रहा है कि वो ये कोशिश करती है कि उसके तहत जो छोटी छोटी हुकूमतें हैं छोटे छोटे कल्चर हैं या छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स हैं उसको वो अपने जैसा बना ले और उसका वजूद खत्म कर दे। ये इस्लाम में आपको नहीं मिलेगा, ये मुस्लिम तहजीब में नहीं मिलेगा। मुस्लिम तहजीब गर्चे वो डोमिनेंट कर रही हो वो पावर में हो उसके बावजूद वो एश्योर करती है कि आपकी तहजीब भी बाकी रहे, और हाँ चाहते हैं आप मुस्लिम बनना तो अपने विल से जो है मुस्लिम बने,
ये बहुत मतलब अहम पॉइंट है, जिसको लिबरलिज्म में जो है इसको एक डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे दिखाया गया। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें इस चीज को ये दिखाते हैं कि अरे मुस्लिम डिस्क्रिमिनेट करते थे, मुस्लिम जो है वो गलत रवैया अपनाते थे दूसरों के, थे ये गलत रवैया नहीं था बल्कि उनके प्रिजर्वेशन की गारंटी थी। तो इसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करें, उसको उस नजरिए से देखने की कोशिश ना करें कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त।